हमारा सूरज एक स्टार है, गर्म गैस का एक बहुत बड़ा गोला। लेकिन इससे सिर्फ गर्मी और रोशनी ही नहीं निकलती, सूरज से लगातार आवेशित कणों की एक धारा निकलती रहती है। इस धारा को सोलर विंड कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे सूरज से एक शक्तिशाली अदृश्य हवा लगातार बह रही है। यह हवा अंतरिक्ष में अविश्वसनीय गति से यात्रा करती है। सोलर विंड हमेशा चलती रहती है, भले ही हम इसे न देखें। हालांकि कभी कभी सूरज में तेज गतिविधि के फटने होते हैं। ये फटने सोलर विंड की और भी बड़ी तरंगें भेज सकते हैं। इन घटनाओं को सोलर स्टॉर्म कहा जाता है और इनका पृथ्वी पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ सकता है। सोलर विंड आखिर बनी किस चीज से होती है? ज्यादातर यह छोटे छोटे कणों का मिश्रण होती है। ये कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो परमाणुओं के निर्माण खंड हैं। ये कण विद्युत आवेश वहन करते हैं, जो इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि वे अंतरिक्ष में चीजों के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। इन कणों के अलावा सोलर विंड चुंबकीय क्षेत्रों को भी वहन करती है। ये क्षेत्र सूर्य से उत्पन्न होते हैं और हवा के साथ बहते रहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्रों का संयोजन ही सोलर विंड को उसकी ऊर्जा और सूर्य से बहुत दूर की चीजों को प्रभावित करने की क्षमता देता है। जब सोलर विंड पृथ्वी तक पहुंचती है, तो यह हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करती है। यह क्षेत्र एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमारे चारों ओर ज्यादातर सोलर विंड को मोड़ देता है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा अंदर आ जाता है, खासकर सोलर स्टॉर्म के दौरान। यह हमारी तकनीक के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। उपग्रह जो पृथ्वी के ऊपर ऊंची कक्षा में परिक्रमा करते हैं, विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं। सोलर विंड से निकलने वाले आवेशित कण उनके इलेक्ट्रॉन सिक्स को बाधित कर सकते हैं। यह संचार जीपीएस सिग्नल को बाधित कर सकता है और यहां तक कि उपग्रहों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी अंतरिक्ष तकनीक की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां सौर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती हैं। भाग 4, ऑरोरा। सोलर विंड से आकाश को रंगना। हालांकि सोलर विंड विघटनकारी हो सकती है, यह हमारे आकाश में सबसे सुंदर नजारों में से एक भी बनाती है। ऑरोरा, ये प्रकाश के टिमटिमाते पर्दे हैं, जो अक्सर हरे या लाल रंग के होते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस और सदर्न लाइट्स या ऑरोरा ऑनेस्ट्रेलिस भी कहा जाता है। ऑरोरा तब होता है जब सोलर विंड के आवेशित कण ध्रुवों के पास पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ये कण हवा में मौजूद परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वे उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित परमाणु तब प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे हमें रंगीन प्रदर्शन दिखाई देते हैं। रंग इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार के परमाणु शामिल हैं। भाग 5, सोलर विंड की पहुंच। पृथ्वी से परे सोलर विंड सिर्फ पृथ्वी को ही प्रभावित नहीं करती है, यह हमारे पूरे सौरमंडल में बहती है। यह सूर्य से दूर ग्रहों सहित सभी ग्रहों के आसपास के वातावरण को आकार देती है। हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की खोज के लिए सोलर विंड को समझना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे सोलर विंड सूर्य से दूर जाती है, यह अंततः कमजोर हो जाती है और इंटरस्टेलर माध्यम का सामना करती है, जो तारों के बीच की गैस और धूल होती है। जिस सीमा पर सोलर विंड इंटरस्टेलर स्पेस से मिलती है, उसे हेलियोपॉज कहा जाता है। वायेजर 1 और 2 जैसे अंतरिक्ष जांच यानों ने वास्तव में इस सीमा को पार कर लिया है, जिससे हमें सूर्य के प्रभाव के किनारे के बारे में बहुमूल्य डेटा मिला है। भाग 6, सोलर विंड का भविष्य। हम अभी भी क्या सीख रहे हैं? वैज्ञानिक लगातार सोलर विंड के बारे में और जान रहे हैं। हम इसकी संरचना, इसके प्रभावों और समय के साथ इसमें कैसे बदलाव आता है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। यह ज्ञान हमें अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने में मदद कर रहा है, जो अंतरिक्ष में हमारी तकनीक
और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य एक गतिशील और जटिल पिंड है और सोलर विंड इसकी गतिविधि का सिर्फ एक पहलू है। सूर्य और पृथ्वी और उसके बाहर उसके प्रभावों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं।